लास्ट 16 मार्च को भुज के अंदर रतलाम के दो रहवासी है, राहुल केसरा और वाइफ, उनके वाइफ मेघा केसरा, वो फेक करेंसी के साथ वहाँ पर पकड़े गए थे। उसी हिसाब से हमने भुज सिटी ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में ऑफेंस दर्ज कराया किया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो ये उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम अभी यहाँ रतलाम आए हैं, उनका घर, उनकी दुकान, उनका गोडाउन जो भी है वो सर्च करने के लिए। और उनके खिलाफ यहाँ पर वो कोई ऑफेंस है या कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या सब है या नहीं है, उस सब की जांच पड़ताल के लिए हम यहाँ पर अभी रतलाम में आए हुए हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी हमारी चल रही है। तो अभी कुछ आपने इन्वेस्टिगेशन किया है तो कुछ मिला क्या? नहीं अभी, तो क्योंकि ऑलरेडी पहले यहाँ पर रतलाम पुलिस ने जो उनके घर की झड़ती वगैरह कर ही लिया था हमारे आने से पहले ही लास्ट 18 तारीख को, और उसके अगेंस्ट उन लोगों ने ऑफेंस भी यहाँ पर दर्ज किया हुआ है। तो फिर झड़ती करने का तो हमारा कोई वो था ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने झड़ती के पंचनामा वगैरह उन लोगों ने कर ही लिया है। तो वो अपने हम उनके हिसाब से वो सही, तो हम अपने शामिल कर लेंगे। दोनों को लेके आए क्या? दोनों आरोपियों को लेके आए? जी जी, दोनों आरोपियों के साथ में। तो इन्हें इन्वेस्टिगेशन में अभी तो हमें इतना ही पता चला है कि लास्ट नवंबर में उनके साथ भी कुछ भुज के कुछ शख्सों ने उनके साथ चीटिंग किया हुआ था। 9 लाख रुपये लेकर कुछ सोना देने की बात की थी, 9 लाख रुपये इन लोगों से ले लिए लेकिन सोना दिया नहीं। फिर दोबारा कोई 4,30,000 रुपये उनसे ले लिए और फिर भी सोना उनको दिया नहीं, और ये ऐसे ही फंसते गए। और इसी चक्कर में इन लोगों ने सोचा कि चलो उन लोगों ने हमारे साथ चीटिंग किया है, अभी प्राइमरी जो हमें पता चला है, तो उन लोगों ने ये फेक करेंसी बना के उन लोगों के साथ चीटिंग करने के लिए वो भुज में आए थे। लेकिन वो लोग फिर क्या वहाँ पर आए भुज में, तो उन लोगों ने जो जिन लोगों ने इनके साथ चीटिंग किया था उन लोगों ने इनका कॉल उठाया ही नहीं, वो उनको मिले ही नहीं, क्योंकि उन लोगों को तो पैसे उन लोगों ने पहले से ही ले लिए थे, तो उनको नहीं मिले। तो फिर उनके कॉल ही नहीं उठा, उनको मिले भी नहीं कोई, तो इस हिसाब से ये लोग परेशान हो गए थे। फिर बाजार में शॉपिंग करने गए और वहाँ से ये लोग फेक करेंसी के साथ पकड़े गए।